है तो मुमकिन है, ऐसा ही नारा बीते कई सालों से चुनावों में दिया गया, हर वो घर तक पहुंचाया गया ये नारा, मोदी है तो मुमकिन है। कैसे मुमकिन अब नामुमकिन में बदल रहा है, जरा आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि कैसे मोदी जी की भव्य विशाल रैली में, जहां पर लाखों लाख युवा जुटने वाले थे और वहां पर खाली कुर्सियां देख देख कर जो है मोदी जी वहां पर विराजमान नहीं हुए, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, वहां पर वो खुद नहीं आए क्योंकि जनता उनको सुनने नहीं आई। जरा आप ये वीडियो देखिए। देखा दोस्तों आपने ये वीडियो? ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश के मंडी का, जहां पर चुनाव आने वाला है। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। कैसे चुनाव में लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जाए, पकड़ाया जाए, चुनावी लॉलीपॉप जो होता है अक्सर जो है जनता को नेतागण पकड़ाते हैं, लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी ने जनता को ऐसा त्राहिमाम त्राहिमाम किया है कि अब मोदी है तो मुमकिन वाले नारे पर पूरी तरीके से जो नारा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो चेहरा है, जो चमकता चेहरा, जो अक्सर आपको फोटोज, बैनर्स और तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देता है, वो चेहरे देखने के लिए लोग अब आ ही नहीं रहे हैं। और ये ताजा तरीन वीडियो बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के मंडी का, जिसको कांग्रेस यूथ अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। दोस्तों बीवी श्रीनिवास इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बोलते हैं कि हिमाचल में मोदी जी की विशाल रैली में 1,00,000 युवाओं के जुटने का दावा किया गया था, हालातों को देखकर मोदी जी नहीं पहुंचे मंडी। और इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे दोस्तों तो 1-2 लोग है इस रैली में नजर आ रहे हैं, पूरी की पूरी कुर्सियां जो है खाली है, पूरा माहौल जो है पूरी तरीके से परपट पड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं और कुर्सियाँ का जो है भरमार है। ऐसा नहीं है कि कुर्सियाँ 2-4 लगी है, नहीं, पूरी की पूरी कुर्सियाँ जो है मंडी के इस मैदान में भरी पड़ी हुई है। जहाँ तक अगर नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक बस आपको कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ नजर आएगी, लेकिन इन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जो है वो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे, नदारद है, क्योंकि इस कुर्सी पर जनता जो बैठने के लिए आने वाली थी वो आई ही नहीं। जो युवाओं का वादा किया गया था कि 1,00,000 युवा जो है मोदी जी की भाषण को सुनने आ रहे, लेकिन वो युवा भी नहीं आए। तो ऐसे में देखिए कि कैसे जो है 2024 की यात्रा मोदी जी की कितनी सफल और विफल होगी, यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं और यही राज्य जो है वो आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है कि आगे क्या होने वाला है, 2024 में क्या होने वाला है, किस तरह की जो है रणनीति, किस तरह की तस्वीरें वो दिखाई देने वाली है। लेकिन तस्वीरें साफ नजर आ रही है कि कुर्सियां पूरी तरीके से खाली है और ये वीडियो खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो में कैसे जो है लोग तंज कस रहे हैं, आपको बता दें दोस्तों कि तमाम सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं जरा आप वो देखिए। अंकित कुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं, चलिए मोदी जी बाकी बातें घर में बैठकर करेंगे, क्योंकि जनता आ ही नहीं रही है, जनता भव्य रैली में दर्शन ही नहीं दे रही है मोदी को, मोदी जी का दर्शन लेने देखने के लिए पहुंच ही नहीं रही है, इस तरह से जनता जो है ट्वीट कर रही है। और ये वीडियो जो है दोस्तों आपको ये भी बता दें कि एक चैनल है EWN24 न्यूज़ करके, चॉइस ऑफ हिमाचल, मंडी में स्टेज पर बैठे रहे साहब, बारिश में भीगती रही जनता, इस तरह का हेडलाइन जो है वो दिया गया है। आखिर इस वीडियो की जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उस आधार पर अगर ये वाकई मंडी की वीडियो है तो इस वीडियो को देखकर शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को अंदाज़ा हो गया होगा कि उनकी छवि जो है वो किस तरह से नुकसान जो है पा रही है, उनकी छवि जो चमकीली छवि है वो किस तरीके से धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी जो नारा लगाया गया था वो नारा भी सीधे तौर पर अगर देखा जाए इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों अभी बीते इसी साल जो है एक चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था जहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था वो, और वो गढ़ में बीजेपी हार गई थी, अपने ही गढ़ में, और बुरी तरीके से जो है वहाँ के CM जयराम ठाकुर वो
बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहे थे और कह रहे थे कि बढ़ती महंगाई की वजह से जनता ने उनको चुना नहीं, जनता का साथ नहीं मिला, मात्र एक यही कारण है कि बढ़ती महंगाई। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया था। और आज का वो दिन है कि महंगाई का जो माह है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। महंगाई को लेकर जो आगे की रोड मैप थी वो जनता को सीधे तौर पर नहीं लाभ पहुंचा, क्योंकि महंगाई हर दिन हर बढ़ते रोज के साथ बढ़ती ही जा रही है। और इसी वजह से जनता का रैलियों में जाना सीधे तौर पर जो है नज़र नहीं आ रहा है कि जनता इन रैलियों में जाए, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को सुने। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी को आभास हो गया कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं, यहाँ पर जाकर जाने से पोपट होगा, इसलिए वो इस रैली में गए ही नहीं, संबोधन में गए ही नहीं। अब आप सोचिए कि क्या आगे की रणनीति होगी, किस तरह से विपक्ष एकता और सबसे बड़ी बात भारत जोड़ो यात्रा वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। भारत किस तरह से जुड़ रहा है वो हर दिन राहुल गांधी की रैलियों में नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, स्मृति ईरानी की रैली हो, जेपी नड्डा की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, या बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैली हो, वो कैसे महाफ्लॉप हो रही है उसका अंदाजा हर दिन सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल होकर बताया चला जाता है कि कैसे आज फलाने नेता का बहिष्कार हो गया, आज फलाना नेता जो है वो किसी बड़े स्कैंडल में पकड़ा गया, आज फलाना नेता ने अपना धौंस दिखाकर रौब दिखाकर ये कर लिया कि हम बीजेपी के हैं और हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई बिगाड़ कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमारा जो है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यही नतीजा है कि जनता धीरे धीरे करके सब समझ रही है और वही समझदारी से जनता रैलियों के माध्यम से बायकॉट कर रही है। और आगे आगे देखिए होता क्या है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे रैलियां जो है वो शुरू हो जाएगी। आज एक रैली है लेकिन आपको कल पता चलेगा कि एक दिन में चार रैली है। यही तो बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, रैलियां करो और जनता को चुनावी लॉलीपॉप जो है वो पकड़ाओ और लोगों को लुभाओ, और फिर जब चुनाव खत्म हो जाए फिर तो कहो भाई जुमला था ये तो हमने कहा था लेकिन हमने जुमले के तौर पर कहा था। तो यही चीज़ें आज जनता को समझ में आ रही है, देर से ही सही लेकिन अब समझ आ रहा है। और यही जनता जो ज़मीनी तौर पर ज़मीनी हकीकत दिखा रही है कि कैसे जो है हम इन रैलियों का बाइकॉट कर रहे हैं। बाइकॉट ना सही, कुर्सी खाली है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुर्सियां जो है वो खाली है और पूरी मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा मैदान जो है सन्नाटे से गूंज रहा है कि शायद साहब आए और अपना भाषण दे, क्योंकि खाली कुर्सी ही बैठी है सुनने के लिए, जनता तो आई नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए बीजेपी का हालत क्या है, गुजरात में भी ऐसी तस्वीर नजर आ रही है और हिमाचल में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है कि वहां पर जनता सुनने नहीं जा रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।